day before yesterday we picked this topic. That is when with the issue of debentures, we give you the cases of redemption as well, that how the cases are to be dealt with. Let me tell you, when issue at par and redemption is also at par, आपको जर्नल एंट्री में कोई चेंज नहीं करनी, जैसे पहले किया करते थे वैसे ही करना है, राइट? सो व्हेन इट इज इश्यूड एट प्रीमियम बट अगेन रिडेम्पशन इज एट पार, देन अगेन देयर इज नो चेंज इन द जर्नल एंट्री, जैसे हम लोग पहले किया करते थे वैसे ही करना है. व्हेन इट इज इश्यूड एट डिस्काउंट and again redemption is at par, again the entry will not get changed. So ye teenon cases hum pehle se hi kar chuke hain. Now we are picking another case where you have to keep some important things into your mind. Issued at par but redemption is at premium this time. Redemption is at premium, kya matlab hai iska? Means agar 100 ka debenture tha तो आपने 100 में ही इशू किया, मींस आपने फेस वैल्यू पे इशू किया, लेकिन आपने उन डिबेंचर होल्डर्स के साथ प्रॉमिस किया दैट वी विल बी गिविंग यू समथिंग एक्स्ट्रा एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन. इट मींस कि इन रिटर्न ऑफ 100 यू जस्ट प्रॉमिस, फॉर एग्जांपल यू प्रॉमिस टू गिव देम 5% एक्स्ट्रा पर डिबेंचर 105 पे रिडेम्पशन है. सो दिस इज द केस व्हिच वी कॉल रिडेम्पशन एट प्रीमियम. अब हमारा अकाउंट्स का फंडा क्या कहता है, जिस बेसिकली व्हेन यू विल बी रिडीमिंग इट एट प्रीमियम, सो जो प्रीमियम पर डिबेंचर होगा दैट इज अ नोन लॉस, मींस इस लॉस के बारे में आपको पहले से ही पता है. तो हमारा कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल क्या कहता है, अबाउट योर नोन लायबिलिटीज एंड नोन लॉसेस यू हैव टू प्रोवाइड फॉर देम इन एडवांस. तो आपने यहाँ पे प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन का एक प्रोविजन बना के रखना, एक नया टर्म आपको सीखना है यहाँ पे, प्रीमियम फॉर redemption of debentures, right? So about that you will be creating a provision. Once you are creating the provision for this, this is going to be credited in the entry of issue. Issue के time पे ही आपको पता चल गया और आपने उसी time में तो agreement किया अपने debenture holders के साथ that we will be returning to you a amount face value plus something extra. And that is what we call redemption is at premium. For that, we will be creating a provision at the time of issue only. So that's why the cases of issue chapter issue ka hai, lekin redemption ki reference hai. ठीक है? अब अगला केस क्या होगा? Issued at premium. Premium पे ही issue है और premium पे ही redemption है. यहाँ पे भी आपको provision बना के रखना पड़ेगा because you are going to pay them extra. For example, 100 वाला 110 में इशू हुआ, ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. जो इशू के टाइम पे प्रीमियम मिलता है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं. यहां तक आपके लिए कोई भी नई बात नहीं है. 110 लिया एंड यू आर रिटर्निंग बैक टू देम 115 एंड दिस 115 इज टू बी कंपेयर्ड विद द फेस वैल्यू. इट मींस कि 100 के बदले में आप 115 वापस करोगे. दिस 15 रुपीज पर डिबेंचर इज गोइंग टू बी द प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. Again, it is a known loss. Again, it is a known liability for which you need to create a provision beforehand. So, in this case also, you will be passing an entry by crediting this newly opened account, which we call premium for redemption of debentures. The last case we have, discount. जब आप अपने debentures को discount पे issue करते हो, means 100 वाला debentures आपने 95 पे issue किया, वो आपके लिए loss है. 5 रुपए per debenture आपका क्या है? Loss है. And you return, you are planning to return them 110. So के बदले में 110, 5 रुपए ये घाटा, 10 रुपए ये घाटा. ठीक है? तो ये फिर से क्या हो गया? Premium on redemption of debenture means issue आप discount पे कर रहे हो और वापसी किस पे हो रही है? Premium पे हो रही है. So again, we need to create a provision beforehand in this case also. So these are the three cases we are going to discuss today. How the journal entries are to be passed? Let's see. इलस्ट्रेशन की हेल्प से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स. जब मैं कह रही हूँ कि बार बार प्रोविजन बनाना है तो सिंपली देखना, वैसे हमारी एंट्री क्या हुआ करती थी. पहली एंट्री वी अज्यूम दैट होल अमाउंट वी आर रिसीविंग इन लंपसम. हम एंट्री क्या क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिटेड,
to debenture application and allotment. And I'm picking the first case when you are issuing it at par, but you are redeeming it at premium, right? I'm assuming I'm taking the example of one debenture, like the face value of the debenture is 100. We are issuing it at par. We are redeeming it at premium means so ke badle mein, for example, I'm returning or I'm planning to return them. That is 110. Okay? How it is to be covered here. अगली एंट्री में वैसे ये क्या करते थे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डिपॉजिट 2% डिबेंचर. अभी मैंने बोला क्योंकि 10 रुपए आपने एक्स्ट्रा देने हैं तो आपने इशू के टाइम पे ही उस प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन अकाउंट को ओपन करना है एंड उसके लिए आपने पहले से तैयारी करके रखनी है क्योंकि कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल हमें ये कहता है ऑलवेज प्रोवाइड फॉर द लॉसेस नेवर फॉर द प्रॉफिट. सो व्हेन यू प्रोवाइड फॉर दिस लॉस यू जस्ट क्रेडिट इट. You will be correct. पहले तो ये सो हो गया है ना प्रीमियम फॉर ये क्वेश्चन आया होगा सीबीएसई के सैंपल पेपर में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. कितना प्रीमियम मैंने बोला 100 के बदले में 110. नाउ व्हाट वी सी आवर एंट्री इज नॉट कंप्लीटेड. डेबिट में सिर्फ 100 रुपीस है और क्रेडिट में 100 प्लस 10 110 है तो बिल्कुल इसके पैरेलल बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ लॉस फॉर द कंपनी आपने एक और अकाउंट ओपन करना है विच वी विल बी कॉलिंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. एंट्री को कंप्लीट भी तो करना है ना भाई. प्रोविजन बना लिया उसे क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया उसके बिल्कुल पैरेलल आपने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंट क्या करना है ओपन करना है. दैट विल बी अगेन डिफरेंट. सो दिस इज द क्राइटेरिया. This is the manner how we will be creating a provision at the time of issue once we know that we have to return back them extra money. ठीक है हम लोगों को अपने debenture holders को ज्यादा पैसे की क्या करनी है वापसी करनी है. So we will be dealing with this case like the manner I explained to you. चलिए जी illustration देखते हैं इससे related. When debentures are issued at par and company decided to redeem them at premium. We have fourth case, right? It's 30th. Thirtieth illustration. देखो. Let's see 30th illustration. Read it, everyone. बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड. लेट्स सी एग्जांपल नंबर 30. व्हाट ही सेइंग ब्लू लिमिटेड इशूड. सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे मैं बार बार कहती हूँ जब कभी भी ये पॉइंट आता है क्वेश्चन में दिस टाइम अगेन ही इज राइटिंग द अमाउंट विद रुपीज. इट मींस इट इज नॉट नंबर ऑफ डिबेंचर्स इट इज ऑलरेडी बीइंग मल्टीप्लाइड विद द फेस वैल्यू. मीन्स उसने फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपको खुद ब खुद डिबेंचर्स की फेस वैल्यू दी है. आपने इसे पर शेयर पर डिबेंचर की अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना फेस वैल्यू पर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना बिकॉज ऑलरेडी उसने आपको रुपीस में अमाउंट दे रखी है. कितने परसेंट डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हो आप 9% 100 रुपए का एक है. आपने जब रिडीम करना है तो 10% प्रीमियम पे करना है. मीन्स मेरे को समझ लग गई बात कि मेरी रिडेम्पशन हो रही है प्रीमियम पे और मेरा जो इशू है डिबेंचर्स वो फेस वैल्यू पे ही है. ठीक है मीन्स 100 के बदले में आपने 110 वापस करना है. जरा नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहाँ पे निकलवाना. जब मैं 800,000 को 100 रुपए से डिवाइड करूंगी तो आई विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ डिबेंचर्स 8,000. ये कहीं ना कहीं मेरे को चाहिए होगा तो मैंने निकाल के रख लिया 8,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच वी इशू एंड द अमाउंट ही हिमसेल्फ इज गिविंग मी इन द क्वेश्चन दैट इज 8 लाख. How this 100 is to be recovered, that is with installments, 50 on application, 25 on allotment, 75 हो गया, बाकी first and final call पे. सारे debentures subscribed हो गए और सारी amount मिल गई. ठीक है जी. अब क्योंकि यहाँ पे मैंने जो case बताया था, I assume in that case that the whole amount you are receiving in one single installment. ठीक तो हम सेकेंड वाली एंट्री में प्रीमियम का प्रोविजन बनाते थे. अब यहाँ पे उसने इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया है तो हम अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का प्रोविजन बनाएंगे. पहले सिंपल एंट्री करेंगे
नंबर ऑफ डिबेंचर्स मेरे को क्यों चाहिए थे, बिकॉज जब मैं एप्लीकेशन मनी निकालूंगी देन एप्लीकेशन मनी पर डिबेंचर इज टू बी मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ डिबेंचर्स. सो दैट्स व्हाई आई बिफोर हैंड कैलकुलेटेड 8,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद रुपीज 50 इन ऑर्डर टू कैलकुलेट माय डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट. पहले एंट्री करवाओ बैंक अकाउंट डेबिटेड, पूरा फॉर्मेट बनाओगे आप लोग, टू debenture application 8,000 into 50, so it will come to me 4 lakh, right? Agli transfer entry kariye students. Debenture application account debited kitne percent debenture hai bete, pehle se likha na, baar baar statement thodi na dekhi, whatever was required I just wrote it on the board, right? To 9% debentures, that is 4 lakh. Done. Now what to do? We have to pass the entry for allotment. ठीक है, पहले allotment due करिए, फिर allotment को क्या करेंगे, receive करेंगे. Let me check allotment due की entry में premium डालता है. Yes. Allotment due की entry में ही डालता है. चलिए जी करते हैं, देखना जरा क्या होगा. Debenture allotment account debited, कैसे निकालनी है allotment? 25 into 8,000. 2 lakh. अब हमने क्या करना होता है, मैंने इंटेंशनली यहाँ पे स्पेस छोड़ी क्योंकि मेरे को प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन और डिबेंचर का प्रोविजन बनाना है. 2 9% डिबेंचर्स, वहां पे भी अमाउंट सेम ही आएगी स्टूडेंट्स, दिस इज 2 lakh. डन. अब क्योंकि 10% मेरे को एक्स्ट्रा पे करना है, कितने डिबेंचर्स के पीछे 10% मींस 10 रुपए, तो वी हैव 8,000 डिबेंचर्स इन द क्वेश्चन. 8,000 इनटू 10 मींस 80,000 आपको ज्यादा पे करना होगा. 8 लाख के अगर डिबेंचर्स है ना फेस वैल्यू के, तो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन यू विल बी रिटर्निंग बैक टू देम 8,80,000. सो 80,000 जो एक्स्ट्रा है उसका प्रोविजन आपको इशू के टाइम पे ही बना के रखना है. सो हियर आई गो विद द क्रिएशन ऑफ दैट प्रोविजन विच आई कॉल टू, बिकॉज ऑल प्रोविजन आर ऑलवेज बीइंग क्रेडिटेड व्हेन वी क्रिएट देम, दैट्स व्हाई वी आर क्रेडिटिंग इट. प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन, पूरा नाम लिखना, ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इंटू प्रीमियम पर डिबेंचर, दैट कम्स टू मी 8,000 इंटू 10, 80,000. फिर मैंने आपको समझाया अभी, क्योंकि मेरी एंट्री कंप्लीट नहीं होती, मेरा डेबिट जो अमाउंट है एंट्री का वो 2 लाख है, और क्रेडिट अमाउंट प्रीमियम को ऐड करके मेरा 280 बन रहा है, देन हाउ टू कंप्लीट द एंट्री. जो ये प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन का प्रोविजन है, ये बेसिकली कंपनी के लिए लॉस है, इसलिए एक और नया अकाउंट इसके बिल्कुल पैरेलल खोलेंगे, विच वी नीड टू डेबिट इन द एंट्री इन ऑर्डर टू कंप्लीट और इन ऑर्डर टू मैच बोथ द अमाउंट्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, विच वी कॉल लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. सो दैट कम्स टू मी 80,000. यहां तक किसी को कोई लॉजिक ना पता चला हो, यू कैन आस्क. अब अगली एंट्री सबको आती है, क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड, सारा पैसा मिल गया ना उसने बोला. चलो सी फ्रॉम दिस साइड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट कितना मिला बेटा? 2 lakh. 2 lakh मैंने एल लिखा, आपने जीरोस के साथ लिखना है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट अमाउंट भी 25 रुपए ही है. अगली एंट्री आप सबको आती है, शेयर कैपिटल में भी सिखाई होती है. डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 9% डिबेंचर्स 2 lakh, देन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दैट इज रुपीज 2 lakh. So with the help of next 2 entries, your question will get completed. Now we are going to pick the 5th case when debentures are issued at a discount, but we are going to redeem it at premium. तो आपको नहीं लगता कंपनी को बैठे बैठे दो तरह के घाटे हैं, एक इशू कम पे किया और देना जा रहा है, ठीक है? So एक डिस्काउंट ऑन इशू एंट्री में डेबिट होगा, एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बिल्कुल पैरेलल लॉस डेबिट होगा. चाहो तो आप डिस्काउंट को अलग लिखो और लॉस ऑन इशू को अलग लिखो. और क्योंकि मैंने बिगिनिंग में आपको बताया होता है डिस्काउंट की जगह लॉस अकाउंट भी लिखा जा सकता है, तो हो सके तो दोनों को मर्ज कर दो. जब मर्ज करोगे तो यू विल जस्ट बी ओपनिंग 1 अकाउंट विच वी कॉल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. मैं दोनों को अलग अलग करके बताऊंगी, फिर बुक में देखेंगे उसने मर्ज करके लिखा है, देन व्हाट अमाउंट वी विल गेट, ठीक है?
So let's begin. 31st illustration. Page number 10.4040. देखो जी 31st illustration देखो everyone. See 31st illustration. What we are doing for the late joinees, I am repeating issue of debentures with reference to different cases of redemption. Though the chapter is of issue, but we are just discussing the case of issue with the cases of redemption. Redemption के time पे हमने क्या प्रॉमिस किया है, करना है या कर चुके हैं अपने डिबेंचर होल्डर्स के साथ, उसको अगर हमने एक्स्ट्रा अमाउंट देनी है, क्योंकि रिडेम्पशन कभी डिस्काउंट पे नहीं होगी. दो ही केसेस हो सकते हैं रिडेम्पशन के, या तो रिडेम्पशन पार पे होगी स्टूडेंट्स, या फिर किस पे होगी, प्रीमियम पे होगी. सो प्रीमियम के केस में इट इज ऑब्वियस, इट इज अंडरस्टूड दैट यू नीड टू पे मोर टू योर डिबेंचर होल्डर्स. फॉर दैट यू नीड टू प्लान राइट नाउ. उसी प्लानिंग के अंडर हम प्रोविजन बना के रखते हैं किसका, प्रीमियम फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का. क्योंकि मेरी एंट्री कंप्लीट नहीं होती, क्रेडिट साइड पे मैंने अमाउंट बढ़ा दी, उसके बिल्कुल पैरेलल मेरे को एक अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, विच आई कॉल लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स. राइट, लेट्स प्रोसीड. इट्स 31st इलस्ट्रेशन. नाउ लेट मी राइट द केस फर्स्ट हियर. इशूड एट डिस्काउंट, redeemed at premium. Issue किस पे किया है, discount पे, at redeemable. क्योंकि redeem नहीं हुआ अभी, तो हम redeemable word use करते हैं, redeemable at premium. दो तरह के घाटे हैं. वैसे ही मैं अपनी imaginary example में आपको बता रही हूँ. You got less money from your debenture holders when you issue these debentures to them. Like 100 वाला debenture आपने 95 में issue किया, हो गया डिस्काउंट वाला केस. और 100 वाली फेस वैल्यू वाला डिबेंचर आपने 110 पे वापसी करनी है. 10 रुपए पर डिबेंचर ये घाटा है, 5 रुपए पर डिबेंचर ये घाटा है. तो दोनों ही बेसिकली लॉस और इशू है. ठीक है, अब देखते हैं उसने 31st इलस्ट्रेशन में क्या बनाया. लेट्स सी. ऑन 1st अप्रैल 2018 आरजे लिमिटेड इशूड. वंस अगेन द अमाउंट इज इन रुपीज. He is not talking about number of debentures, but every time, first of all, I need what? I need number of debentures. So, ये आपको जो दे रखा है ये face value है, ठीक है? 9% debentures है, 100 रुपए का एक है. मैंने 100 से divide करके number of debentures कितने निकाल लिए, 10,000. ये मेरे को चाहिए भाई, हर बार जब मैंने amount निकालनी है तो मैंने number of debentures से multiply करना है. जैसे पिछली इलस्ट्रेशन में 8,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स आई कैलकुलेटेड ऑन माय ओन. ये डिबेंचर्स मैंने कैसे इशू करने हैं स्टूडेंट्स, 10% डिस्काउंट पे. 100 रुपए का एक डिबेंचर हो और 10% उसके ऊपर डिस्काउंट हो. दिस इज डिस्काउंट भाई, 10% डिस्काउंट पे. सो 10,000 डिबेंचर्स को 10 रुपए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,00,000 का डिस्काउंट होगा स्टूडेंट्स. ये जो डिबेंचर्स है रिडीम करने हैं 5% प्रीमियम पे. रिडीमेबल किस पे है, 5% प्रीमियम पे. इट मींस कि हमेशा फेस वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना स्टूडेंट. 100 वाली फेस वैल्यू है और 5 रुपए एक्स्ट्रा आपने देने हैं, मींस 5 रुपए पर डिबेंचर. जब 5 रुपए पर डिबेंचर है और मेरे पास नंबर ऑफ डिबेंचर 10,000 है, इट मींस की प्रीमियम और रिडेम्पशन मेरा 50,000 होगा. ठीक है, और कुछ नहीं कहा तो सारी अमाउंट एक ही इंस्टॉलमेंट में क्या करी है, रिसीव करी है. तो मैं पहली एंट्री करूंगी क्योंकि डिबेंचर्स किस पे है, डिस्काउंट पे है. इट मींस कि 100 वाला डिबेंचर 90 रुपए में क्या हुआ है, इशू हुआ है. तो 90 रुपीज पर डिबेंचर यू हैव रिसीव. 90 रुपीज को मैं 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई करूंगी. तो फर्स्ट अमाउंट, दैट्स व्हाई ही रोट इन योर बुक 9,00,000. पहली एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कंबाइंड एंट्री. क्या करते हैं जब सारा पैसा लमसम में लेती है कंपनी, वी ओपन अ कंबाइंड अकाउंट विच वी कॉल डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. दैट इज 9,00,000. डन.
अगली एंट्री बेटा जी ट्रांसफर एंट्री होती है. अगली एंट्री में क्या करना है, अब अगली एंट्री में ध्यान से देखना व्हाट न्यू केसेस आई विल बी पुटिंग फॉरवर्ड. एक तो डेड श्योर है कि मैंने डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट करना है. एक क्योंकि मैंने ₹5 एक्स्ट्रा दे के भेजने हैं रिडेम्पशन के टाइम पे अपने डिवेंचर होल्डर्स को, तो मैं उसका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी. लेट सी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. थोड़ी सी जगह छोड़ के मैंने 9% थे ना डिवेंचर्स, 2.9% डिवेंचर्स, नीचे देखो वो 2.9% डिवेंचर्स. सो इट वाज स्टूडेंट्स 9 lakh. और आपको एक बात पहले दिन से सिखाई हुई है, डिवेंचर्स आर ऑलवेज टू बी क्रेडिटेड इन द एंट्री ऑफ इश्यू विद द फेस वैल्यू, एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इज 10 lakh. 10 lakh के डिवेंचर्स के बदले में आपने 9 lakh रिसीव किया, बाकी 1 lakh आपका डिस्काउंट है. इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, दैट इज 1 lakh. अब क्योंकि इन डिवेंचर्स की रिडेम्पशन आपने 5% प्रीमियम पे करनी है, तो पहले से ही रिजर्व बना के रखना पड़ेगा. उस रिजर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि 5% प्रीमियम है, 100 rupees की फेस वैल्यू हो और उसका 5% हो तो ₹5 पर डिबेंचर प्रीमियम हुआ. उसे मैंने नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई किया, दैट इज विद मी ऑलरेडी आई हैव कैलकुलेटेड 10,000 into 5 दैट इज 50,000. अब क्योंकि मेरी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई, जो प्रीमियम और रिडेम्पशन है वो बेसिकली कंपनी का क्या है, लॉस है. इसके बिल्कुल पैरेलल आपने अमाउंट सेम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट कर देना है. दैट इज 50,000. नाउ व्हाट विल यू सी, बोथ द साइड्स विल मैच, दिस इज 50,000. 9 + 1 10 lakh, 10 lakh में 50,000 ऐड किया, 10 lakh 50,000 means 10 lakh and 50,000. Here also I am getting the same total 10 lakh and 50,000. उसके बाद मैंने एक बात आपको बताई हुई है, जब डिस्काउंट वाला पहले केस किया था, डिस्काउंट ऑन इश्यू इज टू बी रिटर्न ऑफ एज सून एज पॉसिबल. तो यहाँ पे डिस्काउंट भी है, लॉस भी है, दोनों को राइट ऑफ करना है. पहली प्रायोरिटी SPR के अगेंस्ट एडजस्ट करना होता है, दूसरा कैपिटल रिजर्व के अगेंस्ट एडजस्ट करना होता है. क्वेश्चन में दोनों ही नहीं है, इट मींस कि दोनों अमाउंट आई विल बी ट्रांसफरिंग टू स्टेटमेंट ऑफ P&L. इसने स्टेटमेंट ऑफ P&L की एंट्री नहीं ना दी, हम करेंगे भाई, ठीक है, और 31 मार्च को करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट एंट्री वी आर इशूइंग ऑन 1 April. ऑन 31 March वी विल बी ट्रांसफरिंग इट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L. आपने करके आनी, आगे जाके कई क्वेश्चन में वो करता है एंट्री. We will be passing the last entry on the last of the year, that is statement of P&L account debited to. चाहो तो दोनों को combine कर दो, और combine करके नाम loss on issue रखोगे, ठीक है. देखो उसने combine करके लिखा है कि दोनों अलग अलग लिखे हैं, because he just wanted to teach you the concept, so that's why he wrote discount separately, loss separately. आगे जाके वो कोई क्वेश्चंस में दोनों को मर्ज करके ही विल बी कॉलिंग इट सिंगल नेम, दैट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. सो दिस आई वाज टेलिंग यू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड टू. बुक में नहीं करी एंट्री, हम करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. सो डिस्काउंट वॉज 1 lakh स्टूडेंट्स, एंड जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था वही हमारा लॉस बना. So statement of P&L में you will be transferring 1,50,000. फिर उसके बाद उसने पूछा है debenture का account बनाओ, 9% debentures का account बनाओ. We can make the account of 9% debentures. Let's see how. कहाँ कहाँ 9% debenture आया student? यहाँ पे आया 9% debenture, ठीक है? हाँ जी, 9% debentures account बनाए, simple ledger account बनाना है. Let's see. 9% debentures account, ledger account उसने sample paper वाले question में भी पूछे. Date का column होगा, 1st April को ये हुआ है, तो क्या entry होगी, यहाँ पे आया 2.9% debenture, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, by debenture application and allotment 9 lakh, by
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दैट इज 1 लाख. ध्यान से सुनना, मैंने लॉस ऑन इश्यू और प्रीमियम को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में मैच्ड हैं. जितना लॉस ऑन इश्यू डेबिट हुआ है उतना ही प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट हुआ है. सो दे आर काउंटर बैलेंसिंग ईच अदर. क्योंकि मेरे 9% डिबेंचर के आगे 10 लाख रुपया लिखा है और उस 10 लाख में से 9 लाख क्या है, मेरा डिबेंचर अलॉटमेंट और एप्लीकेशन अमाउंट है, और 1 लाख क्या है, डिस्काउंट है. तो मैंने सिर्फ यही लिखने हैं, दो बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दैट इज 9 लाख बाय डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दैट इज 1 लाख. सो इट इज 10 लाख. अगर कोई मेरे से पूछे कि साल के एंड में आपके पास डिबेंचर्स कितने थे, so this is going to be my closing balance of debentures which comes to me 10. Done. Both the sides will match. So this is the way how the debenture account is to be prepared. What I wrote here, two balance carry down. It's two balance carry down, students. ठीक है, फिर हमारे ledger account का rule होता है, two balance carry down को आगे by balance brought down लिखना होता है, that also you can write. Yes, 32nd question. 2020 के CBSE पेपर में आया हुआ, so we will do that. 32nd illustration देखिए, again the case is what? When we issue the debentures at discount and we plan to redeem it at premium, but this time they are not getting the amount in a single installment. The amount being called by the company is in different installments. So whatever this loss or premium on redemption होगा, वो allotment की entry में होगा, ना कि application की entry में, ठीक है? चलिए डिस्कस करते हैं. दिस इज 32nd. दिस वाज 31 बाय, दिस इज बाय मिस्टेक, आई जस्ट रोट 3, इट वाज 31. नाउ लेट्स सी 32. अगेन आई एम रिपीटिंग द टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद रेफरेंस टू डिफरेंट केसेस ऑफ रिडेम्पशन. दिस इज द नेम ऑफ द टॉपिक. पढ़िए स्टेटमेंट, रीड द स्टेटमेंट एवरीवन. सेकेंड पढ़ना शुरू करो बेटे. ट्राई टू गेट कितनी की फेस वैल्यू है, कितने पे इशू किया, कितना डिस्काउंट है, कितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, एटसेट्रा एटसेट्रा. कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं, क्या क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे रखे हैं कि अमाउंट दे रखी है मल्टीप्लाई करके. लेट सी, दिस इज 32. लेट मी राइट फर्स्ट ऑफ ऑल द हाईलाइटिंग पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. Yes, once again he has started the question with 10 lakh rupees. So mera sabse pehla step hai kahin mere ko face value mil jaye, to is 10 lakh rupees ko main face value se divide kar dun to mere paas number of debentures issued by the company aa jayenge. Main pehla step aapko bata hi deti hu, number of debentures how to be calculated. 10 lakh divided by face value, right? और देखो फेस वैल्यू कितनी, इट इज नॉट एसेंशियल दैट एवरी टाइम द फेस वैल्यू विल बी 100, समटाइम्स इट कैन बी 50, समटाइम्स इट कैन बी 40, दैट यू हैव टू सी फ्रॉम द क्वेश्चन. डन. नंबर ऑफ डिबेंचर्स फेस वैल्यू है 100, सो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आई गॉट 10,000. 100 का डिबेंचर है, 10 रुपए डिस्काउंट पे इशू किया, फिर से 5% प्रीमियम 3 सालों 4 सालों के बाद रिडीम करना है. This 5% is premium on redemption. हाँ तो फिर installments में तो है ही नहीं, why to do the, this is, मैंने 31st ही दोबारा लिख दिया. 6% discount है भाई, इस बार 6 रुपए discount है, 94 में issue होगा और premium on redemption 32nd में 10% है, 5 सालों के बाद redemption होनी है. ये जो 94 rupees है ना, how we are covering 50 on एप्लीकेशन और बाकी कितना रहा स्टूडेंट्स, 94 है ना टोटल 6 रुपए डिस्काउंट देने के बाद, 50 ये हुए, इट मींस कि अगला होगा 50 - 6 मींस 44, ठीक है जी. तो 44 रुपीज आपका अलॉटमेंट होगा, दो ही इंस्टॉलमेंट में है. आपसे पूछी है जर्नल एंट्रीज पास करो इन जेड लिमिटेड. चलो जी, पहली एंट्री एप्लीकेशन की करेंगे और एप्लीकेशन ₹50 है. ₹50 इज टू बी मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड बाय द कंपनी. 50,000 into, sorry, 10,000 into 50, that is 5 lakh. चलो करो पहली एंट्री.
ऊपर लिखोगे जर्नल इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, यू विल बी प्रिपेयरिंग इट्स फॉर्मेट एज वेल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन दैट इज 5 लाख. अगली ट्रांसफर एंट्री, और कितने परसेंट डिबेंचर्स थे स्टूडेंट्स? इट वॉज 8% डिबेंचर्स, राइट. चलो जी अगली एंट्री करो. डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिबेंचर्स, राइट. That comes to me 5 lakh. I am writing 5L. आपने पूरा जीरोस के साथ लिखना होता है. अब अगली एंट्री क्या होती है, और अगली एंट्री में याद रखना, एक तो आपने 6 रुपए डिस्काउंट को शो करना है, एक 10% प्रीमियम को शो करना है. प्रीमियम का पहले से रिजर्व बना के रखना है, उसके बिल्कुल पैरेलल लॉस और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट करना होता है. तो लेट्स डू दैट एंट्री. आई मस्ट राइट इट हियर बिकॉज दिस इज एन एंट्री जो मेन एंट्री है इस क्वेश्चन में. डिबेंचर अलॉटमेंट टू 8% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. आप पूरा लिखोगे, इसके बिल्कुल पैरेलल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हुए हैं, साथ में ही डिस्काउंट on issue of debentures. Done. 44 rupees. 44 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 10,000 से. 440. 6 रुपए डिस्काउंट है, 60,000 डिस्काउंट. दोनों को ऐड किया, 5 लाख डिबेंचर्स में चला गया. 10 रुपए एक्स्ट्रा आपने देके भेजने हैं जब उनकी रिडेम्पशन होनी है. 10% प्रीमियम है. 10 rupees is to be multiplied with 10,000. So premium on redemption comes to us 1 lakh. Iske bilkul parallel loss on issue kya hoga? 1 lakh. So what you see, 440 plus 1 lakh, that is 540 plus 60,000, it comes to me 6 lakh. Dono sides ka total check karo, 6 lakh ban raha hai. What he did? मैंने नंबर ऑफ डिबेंचर्स उसी क्वेश्चन के रहने दिए, ठीक है. 10,000 यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे आपके, आप अब 10,000 से करो इस क्वेश्चन को, ठीक. क्योंकि मैंने 31st पहले पढ़ लिया था ना, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आई जस्ट टुक 10,000. लेकिन हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं? 2 लाख. तो आप 2 लाख से मल्टीप्लाई करके फिर सारी अमाउंट निकाल लोगे, ठीक. अब अगली एंट्री इस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगी? इफ द स्टेटमेंट इज लाइक दिस वे, देन योर एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर अलॉटमेंट दैट कम्स टू मी 4,40,000, ठीक है. डन. उसने क्या किया, क्योंकि 2 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, तो पहला 50 से मल्टीप्लाई किया तो 1 करोड़ आया, ठीक. फिर 50 से मल्टीप्लाई किया 1 करोड़, लेकिन 1 करोड़ में 96 लाख किसका होगा? 96 नहीं, दिस इज 88 लाख. आपका कौन सा होगा, क्योंकि 2 लाख से मल्टीप्लाई करना है. 88 लाख आपका क्या होगा? अलॉटमेंट का होगा, और रेस्ट डिस्काउंट यू विल बी कैलकुलेटिंग. सो लाइक दैट वे ही इज प्रोसीडिंग. बट आई बाय मिस्टेक टुक द नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑफ माय इलस्ट्रेशन 31st. सो दैट्स व्हाई आई सॉल्व इट लाइक दिस वे. सो दिस वाज द केस. मैंने कौन से दो केस करवाए हैं? वन इज व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, एंड द सेकेंड इज व्हेन दीज आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम. अब एक केस रह गया हमारा, व्हेन इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल ऑल्सो एट प्रीमियम. That we will pick tomorrow. So today I have only one period with you. This is 4th day, na? So mera plus 2 plus 1 ke saath hai. 5th, 6th period, right?